अब नेक्स्ट हम लोगों ने काम करना है, हम लोगों ने डिकोडर के साथ हम लोगों ने लगाना है एड्रेस डिकोडर। उसकी सबसे पहले मैं आपको जरा फंक्शन टेबल एक्सप्लेन कर दूं ताकि एग्जांपल में ताकि आपको अच्छी तरीके से उसकी समझ लग सके। आपके पास ये नोड्स है वाई नॉट से लेकर वाई सेवन तक पोर्टी। आपके जो वाई नॉट के साथ इन्वर्टर लगा हुआ है, फिर उसके बाद वाई वन के साथ इन्वर्टर है, वाई टू से इन्वर्टर, वाई थ्री से इन्वर्टर, वाई फोर, वाई वाई फिजिक्स, वाई सेवन, हर एक के साथ इन्वर्टर है। आपके पास तीनों नोड्स है ए बी सी, राइट। अब उसके बाद जी टू ए के साथ इन्वर्टर, जी टू बी के साथ इन्वर्टर, जी वन के वैसे के वैसे, और इसको कहते हैं आप एनेबल पिंस। अब इसी एनेबल पिंस के पास उसका फंक्शन टेबल आप लोग देख लें। अब फंक्शन टेबल में कहता है मतलब ये अगर मेरे पास जी वन इसको डायरेक्टली वन करें, जी टू को मीन जीरो करेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा, तीनों के पोर्ट तो जीरो जीरो हूं। ए बी सी याद रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन इस तरह चलता है ए बी सी ए बी सी। ये इस तरीके से आप बच्चे के एक बार बच्चे क्या करते हैं इसको नीचे से ऊपर शुरू कर देते हैं लिखना, ठीक है। तो आप हमेशा ऊपर से नीचे लिखना शुरू करेंगे ए बी सी। तो ए फ्रॉम द राइट साइड ही आपको काउंट ए बी सी। अगर तीनों जीरोज हो तो आपके पास जो वाई नॉट है वो जीरो होगा, बाकी रिमेनिंग वंस। पहली बात, अगर मेरे पास अगर पहले वन हो, दिस इज वन, इसका मतलब ये होगा बिट वाई वन वो जीरो होगा, बाकी सारे वंस। अगर वाई टू हो आपके पास टू वाला जीरो होगा, बाकी सारे वंस। अगर इस तरह करते करते अगर वाई अभी सेवन हो, अगर आपने सेवन तीनों पोर्ट को सिलेक्ट करना है तो आपके पास आप वाई सेवन को सिलेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये आप वाई सेवन सिलेक्ट कर रहे हो। अगर इसका मतलब ये वाई टू को सिलेक्ट किया कर रहे हो, इसका मतलब क्या वाई वन को सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब वाई जीरो को सिलेक्ट कर रहे हो। अगर मैंने वाई जीरो को सिलेक्ट करना है तो मेरे पास तीनों पोर्ट होंगे जीरो जीरो जीरो। अगर मैंने वाई वन को सिलेक्ट करना है तो मेरे पास क्या होगा, ए मेरे पास वन, ये जीरो, ये जीरो, ये वाई जीरो के ऊपर, ये वाई वन के ऊपर, अगर मैंने वाई वन को सिलेक्ट करना है, ठीक। अगर इससे मैंने अगर वाई फोर को सिलेक्ट करना है तो वाई फोर का मतलब क्या होता है, आपके पास क्या होगा फोर, तो क्या होगा वन जीरो जीरो फोर, तो आपके पास क्या होगा जीरो जीरो वन, ये मेरे पास वाई फोर, इसका मतलब ये वाई फोर होगा, ठीक। अगर मैंने वाई सेवन को सेलेक्ट करना है तो तीनों वन, तो ये वाई सेवन आपका तीनों वन। तो इस तरीके से आप इस पोर्ट को आप इनपुट देकर उसके आउटपुट से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसके एग्जाम्पल प्रॉपरली एग्जाम्पल दिखा दो ये कैसे काम करती है। अब इसके हम लोगों ने फाइनली एड्रेस रेंज करानी है, तो आप कहेगा कि वो y4 से तो y2 फिर y7 से, तो सबसे पहले देखते हैं y4 से। तो अभी मैंने जो कहा था एड्रेस डिकोडर, बिकॉज दिस इज माय डिकोडर, इंसटेड ऑफ बिलिंग नाम के मैं यहां पर एड्रेस डिकोडर यूज कर रहा हूं, उसका भी फंक्शन टेबल मैंने करवाया आपको। तो सबसे पहले उसने कहा यार मुझे y4 से निकालनी, तो दिस इज चिप अवेलेबल टू कनेक्ट विद माय y4। अब y4 का जो कॉम्बिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, मैंने अभी फंक्शन टेबल जब करवाया था आपने कहा था 001 दिस इज कनेक्टिंग y4, दिस इज माय y4, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास G2 दोनों लो थे, वी कन्वर्टेड बिकम्स 1 1, और G9 आपके पास G1 दैट्स ऑलरेडी हाई दिस 1, राइट। अब ये डिपेंड करता ऑन द यूजर साइड, आपने इसको कैसे किया पकड़ लेगा। एडिशनली ये दोनों जीरोस होते हैं, आपने इन्वर्ट कर दिया दैट बिकम्स 1। अब इसका आपने बनाना है एड्रेस रेंज। आपने कहा यार इसका जो स्टार्टिंग है, ठीक, स्टार्टिंग में यहां पर लिखा हुआ A0 से लेकर A13 तक, A14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15,
पूरा प्रोसेसर अभी 20 एड्रेस पिंस के ऊपर चल रहा है। आपने कहा 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आपने ये कंपटीशन ला दिया, आप इसका ग्रुप ऑफ फोर्स पे आप ले आए, आपने कहा नीचे ये चार आपके कहां से हो गया एफ विथ माई कैटर जीरोस एग्जाम, दिस इज द इनिशियल लेवल। अगर मैं ऐसे कहता हूं मेरे पास ऑलमोस्ट इसका लास्ट लेवल पे कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे करेगा एक्सप्लेन, आप इसको करेंगे जनाब, दिस बिकम और 1 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
दोनों वन है क्योंकि ये एज इट इज है, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो आपका ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये फोर कॉम्बिनेशन में आप आ जाएंगे, इसको ले आएंगे।
क्या देगा F थ्री F F F हेक्सा. सो दिस इज द रेंज ऑफ माय Y फोर. अगर मैं इसे यही कैलकुलेट करना चाहूं Y टू पर, तो Y टू के ऊपर आप किसे कम्युनिकेशन करोगे? आप सबसे पहले एक लाएंगे, आप कम्युनिकेशन A जीरो A वन A टू A थ्री A फोर A फाइव A सिक्स A सेवन A एट A नाइन A टेन A इलेवन A ट्वेल्व A थर्टीन A फोर्टीन A फिफ्टीन A सिक्सटीन A सेवनटीन A एटीन A नाइनटीन. आपके पास A नॉट से A थर्टीन वैसे का वैसे रहा. आपने इसका कॉम्बिनेशन 000 का बना दिया, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द राइट. 0000 0000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अब हमें क्या चाहिए? यहां पर 2 चाहिए, y2. अब y2 के लिए बहुत आसान है. अब मैं इसको कैसे रखूंगा y2 के ऊपर? अब y2 का मतलब क्या मेरे पास होता है? क्या y2 का मतलब ये आपके पास 010. अब इसका मतलब है ये 0 ये 1 ये 0, दैट बिकम्स व्हाट y2. अब मैं कहूंगा a क्या मेरे पास, दिस इज माय 14 के दिस 0, a 15 इज 1, a 16 इज 0. अब 17 18 19 आपके पास वैसे का वैसे, क्योंकि आपने उसको नहीं छेड़ा. ठीक, अब आपको ये स्टार्टिंग है, आपने ये स्टार्टिंग का बनाया, आपने ग्रुप ऑफ फोर्स को बना लीजिए. एग्जाम में आपके पास ये क्या है, ट्रिपल 10, दिस इज ई, दिस इज वाज 01. लेट मी मैं इन द ग्रुप अगेन, दिस इज 4, दिस इज ई, दिस इज माय 8, दिस इज 0 हेक्सा, दिस इज ई 8 ट्रिपल 0 हेक्सा. तो अगर आप देख रहे हैं दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, अगर इसी का मैं एंडिंग पॉइंट रखना चाहूं तो क्या कहेगा 1111 इसी के एग्जैक्टली नीचे, इसके एग्जैक्टली नीचे 1111, इसके एग्जैक्टली नीचे 1111, इसके एग्जैक्टली नीचे 11. अब चेक भी कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बाकी वैसे का जू का तू आपने लिख दिया. आपने जब लिखा आपने इसको कंबाइन किया, आपने कहा यार मेरे पास ये ई है, ये मेरे पास क्या 1011 का मतलब क्या होता है, 8 plus 2 10 plus 1 11, which is B. बाकी आपके पास F F F का combination triple A B that F आ गया. तो this is combination of my Y 2. अब इसी तरीके से Y 4 हो गया, तो Y 7 पे आप आ जाएं. आपने वही combination बनाए. I won't rub this part. मैं इसे कहता हूँ Y 7 के ऊपर मैंने बनाना है. Y 7 का मतलब क्या होगा? Y 7 का सबसे पहली चीज ये होगी कि ये तीनों ones हो जाएंगे. ये आपके पास वाई सेवन हो गया, बाकी आपने जू का तू वैसे का वैसे लिख देना है. आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस इसका स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग होगा 0000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है जी, उसके बाद आपके पास 14 15 16 14 15 16 17 18 19. ठीक, अब आप देंगे ग्रुप ऑफ फोर, 4 4 4 4 का 4 का दिस बिकम्स एफ C 000 हेक्सा. अब यहां से कहां तक जा रहा है आपके पास? अब आपको पता है कि यार ये क्या एक्सेक्टली इसके नीचे आप बनाए 1 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
तक, तो इसकी रेंज आपके पास आएगी FC000 से लेकर Penta F1000 तक. सो दिस इज द कैलकुलेटिंग ऑफ माय एड्रेस रेंज यूजिंग माय एड्रेस डिकोडर विद माय डिकोडर एंड फाइंडिंग एग्जैक्टली द मेमोरी लोकेशन. तो यहां से मेमोरी रीड कैसे कर सकता हूं.